पीओपी और पीसी आजकल हर जगह चलन में है। यह मूल रूप से एक नकली छत है, या हम दूसरी छत कह सकते हैं। नकली छत का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह मूल या मुख्य छत नहीं है, बल्कि मुख्य छत पर बनी छत है। फॉल्स सीलिंग का लगभग 700 साल पुराना इतिहास है। इसका उपयोग जापान में कुछ सौंदर्य और कलात्मक कारणों से किया जा रहा था। दोस्तों, लंबे समय के बाद 1958 में डोनाल्ड ए ब्राउन नाम के एक व्यक्ति ने इस प्रकार के निर्माण कार्य के लिए पेटेंट के लिए अर्जी दी। पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड और पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसी जगह को खूबसूरत और आकर्षक बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। पीओपी की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम नामक कठोर पदार्थ से बना है। इसका उपयोग किसी भी स्थान की छत और यहाँ तक की दीवारों को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। पीओपी का मिश्रण बनाना इतना आसान है कि पाउडर से पानी के साथ मिला दिया जाता है और सामग्री उपयोग के लिए तैयार है। पीओपी का उपयोग करने के कई फायदे हैं, इनमें जबरदस्त ड्यूरेबिलिटी होती है। पीओपी वजन में बहुत हल्का है, यह आग प्रतिरोधी है और एक गर्मी इंस्टॉलेशन सामग्री की तरह काम करता है। एक बार अगर कोई चीज बन जाए इससे तो उसे थोड़ा सा हटाना मुश्किल होता है। हम पीओपी सामग्री का उपयोग करके कोई भी आकार बना सकते हैं और इसे सजावट सामग्री के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसमें बहुत चमक और चिकनाई होती है और जब इसे कुछ रंग प्रदान किया जाता है तब भी पीओपी आसानी से रंग धारण कर लेती है, जिसके कारण यह अधिक आकर्षण रखती है। दोस्तों, इसी तरह पीवीसी फॉल्स सीलिंग के कुछ अपने फायदे हैं। फॉल्स सीलिंग मुख्य छत के नीचे बनी छत है। फॉल्स सीलिंग में लकड़ी, जिप्सम, थर्माकोल, पीवीसी आदि जैसे कई सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। आजकल पीवीसी फॉल्स सीलिंग के लिए उपयोग में की जाने वाली सामग्री है। पीवीसी फॉल्स सीलिंग के कई फायदे हैं कि इसे क्यों लगाना चाहिए। इसका वही फायदा है जो पीओपी के पहले फायदे, यानी एक बेहतरीन लाइफ का, एक अच्छी ड्यूरेबिलिटी का। पीवीसी फॉल्स सीलिंग कमरे को ठंडा बनाने में मदद करती है और यह छत की ऊंचाई को कम करती हैं और मुख्यतः एसी वाले रूम्स में कमरे को ठंडा बनाने में मदद करती हैं। दोस्तों, पीवीसी पैनल जिस मटेरियल से बना हुआ है वो आग का एक अच्छा इंसुलेटर है, यानी कि यह आग प्रतिरोधी भी है। पीवीसी फॉल्स सीलिंग का मुख्य लाभ यह है कि यह सजावटी रोशनी, झूमर और पंखों के लिए आधार पर यूज किया जाता है। यह एक कमरे की प्रतिध्वनि को कम करता है, यानी कि साउंड प्रूफिंग का भी काम करता है। पीओपी सीलिंग की तुलना में पीवीसी सीलिंग अधिक बेहतर है और आज हर कोई पीओपी के बजाय पीवीसी फॉल्स सीलिंग के लिए दौड़ रहा है। आजकल के समय में हर कोई पीओपी के बजाय पीवीसी लगाने की सोचता है, जिसके मुख्यतः कई कारण हैं। पीओपी की तुलना में पीवीसी अधिक टिकाऊ है। पीओपी की तुलना में पीवीसी अधिक जल प्रतिरोधी है। पीवीसी फॉल्स सीलिंग का उपयोग करने से कमरा ठंडा हो जाता है और पीओपी की तुलना में पीवीसी में अधिक डिजाइन अवेलेबल हैं। पीओपी की तुलना में पीवीसी में सीलिंग लाइट्स का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। वर्तमान परिदृश्य यह है कि हर कोई चाहता है कि वो सुंदर दिखे और दूसरों पर अच्छा प्रभाव डाले। उसी तरह अपने घरों या घरों के मामले में भी वो चाहते हैं कि उनके घर या इमारत खूबसूरत दिखे। घर को सुंदर बनाने के कई तरीके हैं, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग का काम, लकड़ी का काम फॉल्स सीलिंग उनमें से एक है। घरों को सुंदर बनाने में फॉल्स सीलिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पीवीसी फॉल्स सीलिंग के लिए आजकल हर कोई दौड़ रहा है क्योंकि यह लागत प्रभावी होने के साथ साथ आकर्षक भी दिखती है। जीवन में नवीनतम रुझानों के बारे में जागरूक होना ताकि वो अन्य लोगों की तरह दुनिया का सामना करने में सक्षम हो। इसलिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पीवीसी फॉल्स सीलिंग और पीओपी सीलिंग आज दुनिया का एक चलन है, हर किसी को इसे चुनना चाहिए।